जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से महागठबंधन दलों के नेताओं की बेचैनी साफ नजर आ रही है। बौखलाए विपक्ष ने अब बयानबाजी तेज कर दी, खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटना के मोरिया होटल में आयोजित महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि अगर ईवीएम के जरिए रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश होगी तो खून खराबा भी हो सकता है। कुशवाहा ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का आक्रोश बहुत खतरनाक है, सड़क पर खून तक बह सकता है, जिला प्रशासन सतर्क रहे। ऐसा होता है तो इसके लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। किसी भी तरह से हम रिजल्ट को अपने फेवर में कर लेंगे, ईवीएम मशीन को प्रभावित करके कर लेंगे, जिस तरह से भी वो कर लेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो मुगालते में न रहे। और कहीं से ऐसी बात अब यह भी बताना चाहते हैं उन लोग कि जनता के बीच जबरदस्त रूप से इन लोगों के प्रति इस तरह के रवैया को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। इस आक्रोश के कारण अगर कोई घटना हो जाए तो इसके लिए जवाबदेह बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं ऐसा कोई भी काम करना सोच के रहे हो तो बंद करें, नहीं तो जनता जो आक्रोश हो रहा है अगर इन लोगों का रवैया यही जारी रहा तो जनता का आक्रोश संभाले नहीं समझ पाएगा। जो खबर आ रही है चारों तरफ से लोग जो बता रहे हैं हम लोगों को यह रवैया इन लोगों का अगर आगे जारी रहा तो सड़कों पर खून बहेगा, लोगों में इतना आक्रोश है। हम सचेत करना चाहते हैं प्रशासन और शासन बैठे हुए लोगों को। तो यहां पर ईवीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का विवादित बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी दी है कि खून खराबा हो जाएगा, सड़कों पर लोग हथियार लेकर निकल जाएंगे। यह धमकी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दी गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रुपेंद्र, जिस तरीके की छवि है उपेंद्र कुशवाहा की, गंभीर नेता माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके का यह विवादित बयान दिया है, खुलेआम धमकी दी है, लोकतंत्र में हथियारों और खून खराबे की बात कही है, तो कहीं ना कहीं न केवल उनका आपत्तिजनक है बल्कि यह विवाद भी खड़ा कर सकता है। आखिर कहना क्या चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा इस बयान के जरिए? रुपेंद्र जी, एकदम विवाद खड़ा कर सकता है और बयान भी एक तरह से देखा जाए तो आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले बूथ लूटे जाते थे, अब रिजल्ट लूटे जा रहे हैं, उनका इशारा था। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और एनडीए से जनता जो है इतना नाराज है कि रिजल्ट के दिन जो है उस दिन खून खराबा हो सकता है, सड़कों पर खून बह सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को पहले से आगाह कर देता हूँ कि खून खराबा के लिए वो पहले से तैयार रहे, वहाँ पर जो है कि वह प्रशासन मुस्तैद रहे कि ऐसी स्थिति ना आए, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो जो हैं वो ईवीएम के जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर जरूर मौजूद रहे, मतगणना के समय जरूर मौजूद रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है उस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन एक और सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है और उस समय उन्होंने याद दिलाई है जेपी के आंदोलन की, और उन्होंने कहा है कि जेपी के समय बूथ लूटे जाते थे और जेपी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर बूथ बचानी है हथियार भी उठाना है तो हथियार उठा लो और बूथ को बचा लो। तो कांग्रेस के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ ही में जब जेपी ने आंदोलन किया था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है और अब कांग्रेस भी बचाव में आ गई है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। बिल्कुल रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त बीजेपी के नेता मृत्युंजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मृत्युंजय जी, जो कुछ भी कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने कि खून खराबा हो जाएगा, सड़कों पर लोग हथियार लेकर निकल जाएंगे, ये क्या है, किस तरीके का बयान है? देखिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रसित है जी। कहते हैं चलन आवे अंगना टेढ़ जी। जब इसी सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे, इस सरकार के खिलाफ ही, सरकार की नीतियों के खिलाफ ही वो सड़कों पर उतरा करते थे जी। जब यही रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए बिहार की जनता और देश की जनता भी और सारा विपक्ष भी जानता है, जब दिल्ली का चुनाव हुआ और 67 सीट पर हम लोग हार गए उस समय तो इनको ईवीएम और बाकी घटना संबंध में ध्यान में नहीं आया। जब 3 राज्यों के चुनाव आए
तीन राज्यों के चुनाव में हम बीजेपी हार गई। ईवीएम से हटके अगर इस बयान को देखें मृत्युंजय जी, जो बयान दिया गया है, मैं भी कह रहा हूँ, इस प्रकार के बयान दे करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस प्रकार के माहौल खुद खराब करना चाहते हैं बिहार के अंदर, बिहार के जनमत का अपमान करना चाहते हैं? आखिर एग्जिट पोल अगर किसी मीडिया ने दिया है वो अपने अनुमान के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर वो प्रकट करता है। बिल्कुल। किसने कहा कि एग्जिट पोल को हमने मान लिया? किसने कहा कि काउंटिंग नहीं होनी चाहिए? जो मीडिया ने दे दिया वही सत्य हो गया। जब काउंटिंग होगा 23 तारीख का रिजल्ट का इंतजार कीजिए। मीडिया ने अपना सर्वेक्षण दिया है, मृत्युंजय जी एजेंसी अपने सर्वेक्षण। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, गंभीर छवि रही है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की, आपके सहयोगी भी रहे हैं किसी जमाने में, इस तरह के बयान का मतलब क्या है? लोकतंत्र में ये कहना कि खून खराबा हो जाएगा, हथियारों के साथ लोग निकल जाएंगे, ये क्या है परिणाम से दो दिन पहले? राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर दोनों ही जगहों से जनता ने उनको नकार दिया है जी, तो ऐसी बौखलाहट से वो चुनाव परिणाम नहीं बदल पाएंगे। वो धमकी देकर जनादेश बदल पाएंगे, इस धर्म में उनको नहीं रहना चाहिए। 90 से 2005 का बिहार है, और ऐसी कीदड़ भक्तियों को अब बिहार में समझने वाले लोग समझते हैं। जमीन सरक गई है, जमीन का सच वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बयान है, ये कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता के कई ऐसे प्रावधान है जिसका इन्होंने उल्लंघन। बिल्कुल, परिणाम कुछ भी हो राजीव जी, लेकिन ये बयान आपत्तिजनक है। और भारतीय निर्वाचन आयोग को इनका संज्ञान लेना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। मृत्युंजय झा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव रंजन ने भी हमसे बात की, और कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको सुन लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की खूनी धमकी पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही, आपको सुनाते हैं। अब बिहार में खून खराबा नहीं होता है। आपने देखा है कि अपराधियों को हमने 1.5 लाख अपराधियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने का काम किया है। अब अपराध और अपराधी बिहार में पनाह नहीं ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा धमकाने से बाज आए, उपेंद्र कुशवाहा को जनता पर विश्वास रखना चाहिए, जनता का फैसला को सर माथे उठाना चाहिए।